मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम आए हैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के नगला बरताई गांव में। यहां पर जाने के हम लोगों का रुझान क्या है विधानसभा चुनाव 2023 के आने वाले, और नगला बरताई के जो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है यहां पर जो विधायक हैं कांग्रेस के और मंत्री भी हैं यहां पर डॉक्टर सुभाष गर्ग, और उनके बारे में जानेंगे। ये अब लोगों की क्या राय है कि ये इनकी जो समस्याएं उनका कितना समाधान हुआ, और इस बार ये चुनाव होना है तो किसको यह अपना मत देकर नहीं बनाएंगे। जी बताएं आपका नाम। मेरा नाम चैन सिंह फौजदार है। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल से बहुत आम जन बहुत परेशान है। इन्होंने ना तो कोई विकास किया, कमीशन के नाम पर चाहे वो रीट रही हो, चाहे जो है अन्य कमीशनबाजी हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा हो, इन्हें भारी भरकम करके किसी आम आदमी का ध्यान नहीं रखा। और पूरे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जहां इन्होंने पार्टी नहीं बनाई हो। आम जन को लड़ाने का काम पूरे सालमानी विधायक महोदय ने किया है, तो यहाँ इनसे तो उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी बात, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ आपके बीच में कि सरकार तो विफल रही है। बहुत बड़ा जो एक इशू है, इस बार हमने सबने विचार भी किया है कि आखिर क्यों और कब तक हम कब तक झेलते रहेंगे अन्य लोगों को, जो हमारे साथ बहुतायत में हम 88,000 की स्ट्रेंथ है हमारी जाटों की भरतपुर में, और भरतपुर को वो शक्ति रही है कि अजय लोहागढ़ रहा है। और मैंने तो पिछली बार विधानसभा में जब भाई दलवीर सिंह जाट के नाम पर एक जुट करके चुनाव लड़े थे तो मैंने एक बार कहा था भाई क्यों नहीं भरतपुर लोहागढ़ का नाम बनियागढ़ या ब्राह्मणगढ़ किया जाए। तो इस बार लोगों में बहुत जागृति है, देख रहे हैं हम दोनों पार्टियों की ओर। अगर ये हमारे किसी जाट को अगर टिकट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मतों से हम अपना कैंडिडेट विधानसभा में पहुँचाएंगे। अगर इन पार्टियों ने ऐसी गलती अब की बात करी जो विगत 50 सालों से करते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एक निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ी महापंचायत का उद्घोष करेंगे और अपने जाट प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जिस तरह देखा है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र जो है जाट बहुल क्षेत्र, यहाँ पर 88,000 मतदाता जाट समाज के बताए जाते हैं, और विगत 40 साल से ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज द्वारा यहाँ पर MLA चुना गया है। किसी भी पार्टी द्वारा जाट को टिकट नहीं दिया गया, तो आपके इस बार जाट समाज की मांग है कि जाट को ही टिकट देंगे तो जाट प्रत्याशी को ही अपना ये वोट देंगे। और भी हमारे साथ खड़े हैं। जी आप बताएं। एक निवेदन और करना चाहता हूँ जी। अभी पिछले दफा 3-4 दिन पहले सुनारी में एक बनिया कैंडिडेट था, कौन था शायद मैं नाम नहीं जानता, शायद यश अग्रवाल, उन्होंने गांव में कोई 20-25-50 साड़ी लेके आए और 10-15-20 स्वाफी लेकर के आए, कुछ मिठाई कुछ डिब्बे कुछ ऐसी चीज लेकर के आए। तो किसके नाम पे लोगों को गुमराह करके इकट्ठा करते हैं कि भाई मीडिया वाले आ रहे हैं आप तो बैठ जाओ पार्टी को, लेकिन अंततः प्रचार तो इस तरीके से जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स का मतलब नहीं समझा, जिन्होंने कभी राजनीति में पैर नहीं रखा, जो जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं समझते और आकर के गाँव को प्रलोभन की दृष्टि इकट्ठा कर लेते हैं, तो इनके आज अब तुम्हारे वर्तमान जो विधायक हैं वो उनके हथकंडे हैं। कहीं किसी को भेज करके अपने जो इकट्ठा होने की कार्यक्रम चल रहा है जाटों का, उसको तोड़ने के भरकस प्रयास है। कैसे इस तगड़ी को तोड़ा जाए और नए नए आदमी प्रलोभन के द्वारा तोड़ के हम चुनाव में गए, लेकिन इस बार संभव नहीं है। जाट एकजुट है और निश्चित रूप से एक बड़ा जो है निर्णय लेगा, चुनाव से पहले लेगा, और निश्चित रूप से अपने जाट को किसी को जो तो ये थे हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं, युवा खड़े हैं। जी आप बताएं इस बार क्या मांग रहे हैं कि आपके विधानसभा चुनाव में क्या निर्णय रहेगा। मांग तो यही रहेगी कि इस बार कांग्रेस हो या BJP, उन्हें सोचना चाहिए जो 51 साल से अब तक नहीं सोचा है उन्होंने, कि इस बार एक बार मौका दें, मौका दे के उसका फिर देखें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और जाट को टिकट दें। क्योंकि इस बार जो सर्वसम्मति से जाट सम्मिलित है और एकजुट है, उसकी मांग यही है कि जाट को अपने क्षेत्र से उतारा जाए, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि और बाकी की कास्टों में जो देखा गया है उन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि जाटों में फूट डालो और राज करो। उन्होंने एक तरीके से जो विदेशी राजनीति है वो चलने की कोशिश की है और जाटों में फूट डाल के अपनी टिकट ला के और कैसे भी करके अपने आप को विधानसभा में पहुँचाया है। तो हम भी सभी जाटों से यही निवेदन करेंगे कि इस बार किसी के बहकावे में ना है, ना ही किसी के 10 लाख 2 लाख 5 लाख 10 हजार 20 हजार और ना ही कोई पौवा, इनके बहकावे में ना आके और जाट एकजुट होके
कैसे भी करके जाट कैंडिडेट को विधानसभा में पहुंचाने का प्रयास करें और एकजुट रहें, हमारी यही मेरा नाम गगन सिंह फौजदार है। हमारे क्षेत्र में पिछले 51 सालों से बहुसंख्यक जो मतदाता है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का जाट, उसे शोषित किया गया है और हर किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो जाए उनका जितना अहित हो सकता है इस मौसम के समाज का उतना उनके द्वारा किया जा रहा है। आज के समय में सबसे बड़ी बात, मैं जाट हूँ तो मैं केवल जाट की बात नहीं करूँगा लेकिन जाट के स्वभाव की बात जरूर करूँगा। हमारा स्वभाव है 36 कौम को साथ लेकर के चलना, जिसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएँ माताएँ सभी शामिल हैं। मुख्य जो समस्या है हमारे साथ के यहाँ बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, मैंने तो मान लिया कि विकास किया है, रोड पे चलेगा कौन? युवा तो दर बदर भटक रहे हैं, हर पेपर लीक हो रहा, जब से ईडी आई है पिछले 20-25 दिनों में जानकारियां मिली हैं कि 21 पेपर आउट हुए हैं, जो बंदा एक दिन पढ़ने नहीं जा रहा है। इंटरव्यू आ रहे हैं उधर शेखावाटी साइड से, पश्चिमी राजस्थान से, जो पशुपालन के कार्य में निकल चुके हैं, एक दिन उन्होंने पुस्तक उठाकर नहीं देखी। वो ये नहीं जानते कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, उनका चयन हो रहा है और इनका बकायदा इंटरव्यू निकाला जा रहा है, उन्हें यह नहीं पता राष्ट्रपति कौन है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार की मिली भगत है। सबसे बड़ी बात है अंधेर नगरी चौपट राजा गहलोत जी किसी भी भ्रष्ट कार्य पर, भ्रष्ट नेता पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। और अब सीधी बात करें तो अपने यहाँ से भी मंत्री जी का नाम बार बार ऐसी चीजों में शामिल होता रहा है। हमारे यहाँ 10 साड़ियाँ बांट दी जाएं, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हमारे यहाँ नौकरियां कितनी दी हैं आपने, किसके लिए कार्य किया है आपने, आपका नाम जरूर आया है इस तरह की चीजों में। मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है लेकिन आपने अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कितने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। मुख्य बात ये है हमारे यहाँ का युवा भटका हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबसे ज्यादा फौज राजस्थान में हमारे यहाँ से जाती है लेकिन अब क्या है, हालात बहुत खराब है। किसी भी ऊपर की भर्ती में तो हमारे लिए जगह है ही नहीं क्योंकि पेपर तो पहले आउट हो जाते हैं, दो दो तीन तीन महीने पहले पेपर आउट हो जाते हैं और सरकारें कहती हैं अफवाहें, तो इन सरकारों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना जरूरी है और ऐसे विधायकों को सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए एक जाट समाज का मजबूत विधायक होना बहुत जरूरी है जो इनसे पंगा ले सके। ये थे हमारे साथ में भाई और इनका ये कहना है कहीं ना कहीं सरकार को पेपर लीक भी समस्या खड़ी करेगी। कांग्रेस के राज में जो पेपर लीक हुए उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है। जी बाबा आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप जो विधानसभा चुनाव में अब आने वाले बेचार मैं तो ये कह रहा हूँ भाई जी कांग्रेस को छुपाए भाई भाई में लड़ाई और सुनो साहब ने कहते बोले और इन्हें जो धोखो का वहाँ को जनता अब वो करेगी ग्यारह दिन हम कर्ज माफ कर देंगे, इन्हें वायदा ना करिए आज तक कर्ज माफ होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस से किसान वर्ग भी नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कर्जा माफी का, तो कर्जा माफी अभी नहीं हुई। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं। जी आप बताएं। ये बता रहे सर कांग्रेस के मामले में, कांग्रेस के जो अधिकारी भी मंत्री विनय के रिश्तेदार कलेक्टर चार के घर में, ये आज तक बीजेपी ने की सुनी नहीं, कांग्रेस की नहीं सुनी, पर अब ये आगे जो वर्ष की आज चल रही का ये 4.5 साल है यहाँ में, ये घर में तो 4,000 कलेक्टर रह रहे हैं, बताओ चंबल को पानी आज तक नगला बढ़ता भी नहीं आया, कोई से नहीं रही है, इतनी कौवा और भ्रष्ट है ये कांग्रेस या कोई जवाब और इस वार्ड का या सुनो हमारे गांव सुना रही कहूँ मैं, और ये समझो कि ये सूट ले आए बच्चे ने कहा लाली ने कहा और साहब ये तुम्हारे साड़ी फाड़ी ले आए गांव में लठ चले को हमारे लठ चले हो खोपड़ी टूट गई और ये सब ये चाल कांग्रेस की है, ये भेजो का ये न्याय का ये सब अग्रवाल यानी जो कि दिल्ली से आ रहे हैं कोई बीजेपी के आदमी, बीजेपी को तो इलाक है ही साहब और हम सब जाट ये बोल रहे हैं कि भाई जाट को मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है और वो कांग्रेस बीजेपी के नाम से आए के और यहाँ साड़ी फाड़ी बंटवा दी और साड़ी बटी है 10 और जनता ही 100 आदमी तो 90 आदमी खिलाफ बैग नहीं भाई और आप सही पलट चलोगे मतलब। तो ये थे हमारे साथ गांव के जो विधानसभा भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, इनका कहना है कि कांग्रेस के राज से ये सभी दुखी हैं और कोई विकास नहीं हुआ है कांग्रेस के राज में और पेपर लीक तथा बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों से वादा खिलाफी का मुद्दा है और इनकी अब सभी ये मांग है कि ये जाट बहुल क्षेत्र है और इस बार जो है जो कोई पार्टी जो जाट को टिकट देगी सब एक मस्त होकर जाट को ये वोट करेंगे और जाट को ही विधायक देखना चाहते हैं।
वो जानते।